एंटी टोबैको डे के अवसर पर हमीरपुर कॉलेज परिसर में भी स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड प्रशिक्षकों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सतीश शुक्ला के अलावा स्वास्थ्य विभाग से आए हुए कर्मचारियों ने छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया। सतीश शुक्ला ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमीर कॉलेज में किया गया है, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि तंबाकू और धूम्रपान के केवल मात्र धुएं से ही बहुत नुकसान शरीर को पहुंचता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रयास किया जाता है, ताकि धूम्रपान लोग ना करें। आज 31 तारीख को, जैसे कि सबको पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से नो स्मोकिंग डे जो है वो मनाया जाता है, तो यहाँ भी जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया हमारी जो हैं उनके सौजन्य से हमने यहाँ हमीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मनाया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने और स्कूल कॉलेज फैकल्टी ने भाग लिया। जो दरअसल मुख्य जो हमारा फोकस होता है जितने भी दिवस मनाते हैं, उसमें सबसे बड़ा ये एक बचाव पद्धति की तरफ बढ़ने की बात है, और दूसरा जो तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की वजह से जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं और जो उसका धुआं लेने से जो नुकसान है, और उसमें जो सबसे बड़ा फोकस है कि 4000 इसमें केमिकल्स हैं, तो जो जितने लोग पीते हैं उससे ज़्यादा कहीं खतरा जो लोग धुआं लेते हैं। तो ऐसे आयोजनों से एक तो मकसद रहता है कि वो उनको बचाया जा सके, दूसरा जो कोट पैक 2003 है उसको क्रियान्वयन में सबको आसानी आए कि पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान वर्जित है, वो संदेश लेके आगे जाएं, और दूसरा जो डिस्प्ले है जगह जगह पे या स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जो साइनेज सिस्टम है उसको हम अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करा पाएँ। तो इस तरह से ये गतिविधियाँ की गई, एक रैली और कुछ कंपटीशन किए गए, बहुत अच्छा सहयोग कॉलेज प्रशासन का यहाँ रहा और बच्चों ने बड़े अच्छे से सहभागिता निभाई। मैंने अपने साथियों के साथ यहाँ स्वास्थ्य शिक्षक शारदा सारस्वत हैं और VCC कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्कूल फैकल्टी है, चेयरमैन सर हैं, सब ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें आज ये जिला स्तर पे कार्यक्रम किया है और बाकी खंडों में भी आज इसका आयोजन किया गया है। तो निसंदेह इसका हमें पूरी होप है कि जागरूकता के माध्यम से हम जो है वो जैसे इस वर्ष का नारा है कि हार्ट डिजीज़ को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। धूम्रपान की वजह से कई तरह के कैंसर और कई तरह की बीमारियां होती हैं, और उनमें पीने वालों में नहीं जो लोग धुआं लेते हैं उनको भी उतना ही खतरा है। तो इस दिशा में लगातार पूरा वर्ष वो प्रयास किए जाते रहेंगे, और इस अवसर पर सबको बधाई, और जिला स्तर पर सब लोगों से अपील है कि वो पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान जो है उसको वर्जित करने की दिशा में सबको वो विभाग का सहयोग करें, और विभाग अन्य विभाग जो है उसमें वो भी अपना सक्रिय योगदान जरूर देंगे, क्योंकि हम एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। तो आज इस दिवस पे सबको संकल्प लेने की ज़रूरत है कि जो भी धूम्रपान से होने वाली बीमारियां और नुकसान है उनको हम रोकने की दिशा में आगे आएं, और जागरूकता कार्यक्रम हम हर स्तर पे जरूर करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ CMO हमीरपुर को, जिन्होंने हमारे कॉलेज में टीम भेजी और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है आज का 31 मई का दिवस जो है एंटी टोबैको डे जो है बहुत अच्छे से मनाया, और हमें जो है बहुत हमें और हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से अवेयरनेस दी। हमारे कॉलेज में आज 3 प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें सबसे पहले तो हमने पेंटिंग कंपटीशन किया, दूसरा हमने स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, और तीसरा डेक्लामेशन कंटेस्ट किया। आज इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चे आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और साथ में हमने एक रैली का आयोजन भी किया, जिससे जो है हमारे बच्चों में और आसपास की सोसाइटी में जो है अवेयरनेस आए नो टोबैको डे के, जो सबसे आज का जो UNO का थीम है डिजीज़ के बारे में है, हर्ट डिजीज़ के बारे में है, कि टोबैको और हर्ट डिजीज़ के कारण जो है सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो UNO का जो ये आज का अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ये आज पूरे हमारे हमीरपुर के जिले में, हमारे पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एंटी टोबैको डे के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और इससे जो है मेन जो मूल कारण है तंबाकू के सेवन का, हमें अपने बच्चों को, हमें अपने देश को और हमें अपने नागरिकों को जो है तंबाकू के सेवन से बचाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी।